उसमें से बाहर आ गया था। एक काम थोड़ी है मेरे पास, जुलाई में हुआ है, जून तक का भुगतान हुआ है, जुलाई के महीने में हुआ है, 18 का पूरा भुगतान, तो 3 महीने तो हो गए। हाँ, तो अब फिर सितंबर से अक्टूबर का आ गया, फिर भुगतान गया इनका। ऐसा ना, कुछ चीज़ें तो रेगुलर आपको करनी ही करनी है। अच्छा, फिर ये नहीं कह सकते जैसे काम जो कर्मचारी कर रहा है उसे हर महीने तनख्वाह चाहिए। फिर जो गाय हैं उनको रोज खाना है। फिर जो टेंडर खुदवा के भी देखा नीचे, लेकिन निकला नहीं कुछ। और गाय भी बीमार हो जाएंगे इसकी हालत से। नितिन तेरे लिए फोन करा था। मुझे बनानी है या माता के लिए। अंकित 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 सॉरी। हाँ जी, दिक्कत क्या है? चलो बात कर लो फिर। भैया पटड़ा ही, अरे भैया पटड़ा दी भाई तुम्हें। अरे भैया ऐसी बिगड़ी पड़ी है सब तरह। वो डर के बढ़ेगी बढ़ गया। अब मटरों से सोच लेटे कर दो इधर। पता नहीं कब से जो है जीप, देखिए जीप से पता चल रहा है। क्यों जा भी घर हो गए, गाय तो यहाँ फेंकी होगी ना। क्या कुछ नहीं, ये पूछ ला दी हमने, कोई मरता हुआ हालत में है। रंदी भैया, रंदी भैया वो शॉर्ट चलेंगे नहीं तो इतना हम वो लिखने लिखने गाना पोना भाई। हडे टीवी पर दिख रहा है तो बैठो। मेरी बाइक करा दिया इसको टीवी पे, एक घंटा और मार दो इसकी बाइक की। बस ज्यादा जान तो निकल गई, तो एक और भी जो मार रहा है। नहीं लिखा तो क्यों बना रहे हो? अभी तो हम बहुत दिमाग के लाए हैं। पूछा
कमी थोड़ी छूती होगी अब वहाँ पे खड़े होकर बस इशारे से दिखा दो ऐसे कर दो देख तो लो यार देख मैं चलो वो आगे बढ़ा लो तो आपको आइडिया तो हो जाए हाँ नंबर बताता हाँ तो ये तो हमारा सरकारी का है यार तू ये टिप्पल लगा गया है वो इनके तो कहाँ तक करके टिप्पल लगा एक टिप्पल एक यहीं पर खड़े होकर बाइक करो चलो वहाँ पर देखें सीट जे वही उसे कुत्ते वाड़ भी वही कुत्ते के लिए वो का नाम नंदी वाले के लिए हाँ उसके टाइम से 582 है उसके हिसाब से 20 जन लगने चाहिए कम से कम कम से कम 20 कुत्ते वह बात जो नेगेटिव है जो मिलेगा वही वाला खोलो एक साइज के दीदा है Thank you.
ठीक है, तो ये लोग जाए उनके साथ कर रहे हैं, टीम वाले बैठे हैं। ठीक हाँ दे दी। सर विषय एक तो ये है कि एम्स की तर्ज पे बरेली बनेगा हॉस्पिटल, ठीक है, और दूसरा शॉर्ट बना ली एक विषय ले लीजिए कोई, तो एक विषय पर पूरा बोल दें, दो भी तो मिक्स हो जाएगा, एक विषय कोई नहीं, वो काटने का हम काट लेंगे ना कब। सर कहना चाहेंगे कान्हा उबन में लगातार रोजाना ही 2-3 गायों की मौत हो रही है, आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया है? देखिए ये बात आपकी सही है कि विभिन्न स्रोतों से जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं कि गायों की मृत्यु हो रही है, और जो कारण हम लोगों को पता है वो बहुत ही स्वाभाविक कारण है कि बीमारी से हो गई अथवा पशुओं के आपस में लड़ने से हो गई, तो कोई अभी असामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन तब भी चूँकि गायें वहाँ पर निर्धारित संख्या से अधिक हो गई हैं और जो गोवंश वहाँ पर है तो उसकी समुचित चिकित्सा के लिए हम लोग अब विशेष प्रयास कर रहे हैं। आज आपको पता ही है कि एक हम चिकित्सा शिविर लगवा रहे हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी उसमें भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, सभी गायों का परीक्षण होगा, और हम ये ज़रूर इस चीज़ की तह तक जाना चाहेंगे कि बीमारी के साथ साथ अन्य किसी कारण से देख रेख में कोई कमी है, इस चीज़ की भी तह में जाना चाहेंगे, और जो आवश्यक दवाएँ होंगी उसको पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन उपलब्ध कराएगा। लगातार जो मेयर हैं वो मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर चुके हैं कि वहाँ पर, और 2-3 बार उन्होंने विजिट भी किया है वहाँ का। देखिए आपकी बात सही है, मेरे पास भी पत्र आया है और कुछ संगठनों के ज्ञापन भी आए हैं, लेकिन जहाँ तक जो नगर निगम प्रशासन है उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जो निर्वाचित हैं अथवा हमारे सरकारी अधिकारी हैं, सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है, और जो संस्था वहाँ पर काम कर रही थी वो भी एक गैर सरकारी संस्था थी जिसने MOU कर रखा था, उसकी भूमिका को भी हम देखेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक की कमी है, ये संयुक्त जिम्मेदारी है और ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, और हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल कर गायों की सेवा करें और जो शासन की नीति है उसका अक्षरशः पालन हम लोग करें। क्या मामला है, आपने क्या देखा जो आप यहाँ पे आए हैं? देखिए आज मैं यहाँ कान्हा पशु आश्रय गृह में बिना किसी अधिकारी को बताए आया था, और ये देखने के लिए कि यहाँ व्यवस्थाएँ कैसी हैं। सोच के तो मैं आया था कि व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी होंगी, लेकिन देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ गौवंश जगह जगह मरे पड़े हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी आँखें तक गायब हैं, बॉडी में उनके छेद हो रहे हैं, कीड़े लगे हुए हैं। वो हालत देख के कोई भी आदमी ज़रा से भी संस्कार होंगे तो शायद उसको कोई चैन नहीं पड़ेगा। दूसरी जगह जाके देखता हूँ तो वहाँ पर खुले में गौवंश के कंकाल पड़े हुए हैं, जगह जगह हड्डियां पड़ी हुई हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ गौवंश मृत हो रहे हैं तो उनको यहीं साइडों में फेंक दिया जा रहा है। हालत बहुत ख़राब है, 200 से लेकर 250 के बीच की कैपेसिटी है जिसमें 600 से ज़्यादा गौवंश यहाँ पर हैं, और उसके बाद भी केयर नहीं। रजिस्टर मैंने देखा उसमें डॉक्टर हर दूसरे दिन लिख रहा है कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, दवाइयाँ कम है, गौवंश की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। भोजन की स्थिति ऐसी है कि अगर उनको चोकर जो हफ्ते में 20 से 25 बोरी मंगाया जा रहा है, 2 किलो एक गौवंश को ज़रूरी है चोकर देना, उसके हिसाब से 24 बोरी रोज़ आना चाहिए, लेकिन हफ्ते से 10 दिन में 24 बोरी आ रही हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें खाना कैसा मिल रहा होगा, तो कैसे जीवित रहेंगे गौवंश, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर हालत गौवंशों से लेकर, चाहे वो भूसा की हो, भूसा भी गीले क्वालिटी का है, चारे की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और जहाँ पर 600 गौवंश रह रहे हों वहाँ एक दिन का भी भूसा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ आज के खाने भर के लिए है, कल के लिए फिर आएगा,
क्या रोज़ रोज़ भूसा आएगा? तो हमने जब कॉन्ट्रैक्टर से बात की, उसने कहा साहब मेरा चार चार महीने से पेमेंट नहीं हो रहा, हर सीट पर जाता हूँ वो पैसे देने की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं तुम समझोगे पैसा क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई क्या समझूँ पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो अव्यवस्थाओं की भरमार है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेज रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। तो क्या मुख्यमंत्री जी का खौफ खत्म हो गया है अफसरों में? और अभी जबकि कल ही सस्पेंड किए गए हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने कई बार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा था, मैंने अखबारों में भी सभी में छपा था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ यहाँ ये भी पता लगा कि जो पिछले करीब 400 से 500 गौवंश मृत हुए हैं उनको बाकरगंज के पीछे गड्ढों में ले जाकर 4 से 5 फुट गड्ढा खोदकर उनमें दाब दिया जाता है, ना उनमें कोई नमक डाला जाता है ना कोयला डाला जाता है, तो उससे पूरे शहर में बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसे 600 गौवंश इन्होंने वहाँ पूरे शहर के अंदर शमशान के पीछे दबा दिए। क्या ये लगता है कि पहले भी गौवंश के दो लोग आरिफ नाम के किसी को भेज दिए गए थे, इस तरीके की बातें भी हैं? हाँ, ये भी प्रमुख रूप से आया था कि दो गौवंश, क्योंकि बात तो खुली दो से ही, अब ये तो जांच का विषय है कि कितने ज़्यादा और बेचे गए होंगे, कि दो गौवंश यहाँ से, दो आरिफ नाम के जो मेरे ख्याल से कटान का काम करते हैं उनको यहाँ से दे दिए गए जबकि वो किसी और के थे। तो इस तरह का क्या घोलमेल चल रहा है, ये बहुत बड़ी जाँच का विषय है और गौवंशों की हालत बहुत ख़राब है।